बैग चप्पल रख लेते हैं यहाँ पे दोनों रख लें। ये देखिए हमारे कुली नंबर वन स्पेशली मेरे कुली है हम मजाक नहीं सब सीखा था आपके जैसे सामान ही नहीं है इसमें बोल दो है यार। तो फिर कोई नहीं हम तो चेकआउट वगैरह तो करेंगे ही हमारा बिल बिल कर दीजिए मैम ये बिल आपका यहाँ पे फीडबैक दिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग स्वागत है नए एपिसोड में और कल हम यहाँ पे रुके थे ऋषिकेश में लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा लेकिन यह है कल से यहाँ पे जो बारिश होनी चालू हुई थी और कंटिन्यू बारिश चल रही है अभी भी आप देख सकते हैं। ये स्कूटी है जो कल हमारे पास थी और इस पर ही हम घूम रहे थे लेकिन फिलहाल आज के लिए ये गाड़ी आ चुकी है तो आज हम स्कूटी को यहीं पर ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से इस गाड़ी पे जाएंगे आगे देहरादून के लिए क्योंकि आज है केतन का बर्थडे और हम जाना है वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और यहाँ पर देखो मैडम चेकआउट के प्रोसेस में लगी है ये देखिए रियल फीडबैक देना कोई यहाँ सीख सकता है। हाथ हटाइए जरा वाह टाइम हो गया यहाँ पे भैया आ चुका है तो हम चलते हैं चलो। इसमें तुम अच्छी लग रही है यार ये गज रहा है तुम्हारे ऊपर आपने दिलाया था ना इसलिए चलो लाल बारिश भी थोड़ी कम हो गई है इधर से ही बैठ जाओ मैं उधर से आऊं तो यह है हमारा नीरज पहले जहां हम रुके थे रात को और इसको हम कर चुके हैं बाय बाय। चलिए तो हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए और फिलहाल आज के में खास बात यह है कि ये देखो मैचिंग आज मैं सुंदर लग रही हूं तुम तो सुंदर लग ही रही हो मैम नहीं मैचिंग कर रखे थे टी शर्ट भी करसी है पीली और मास्क भी आज हमने पूरा ही जोड़ लिया है। कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में देहरादून एक घंटे पहुँच जाएंगे तो ठीक है हम निकले हैं देहरादून के लिए और हम जा क्यों रहे हैं वहाँ क्योंकि आज है केतन का बर्थडे आज केतन जी का बर्थडे है और आज हम जा रहे हैं वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने। ये देखो हमारी कितनी अच्छी फोटो आई है तुम्हारी फोटो हमेशा अच्छी आती है हमारी वाह क्या फोटो खींची आपने वाली गुड कभी अच्छी फोटो खींच देते यार आप एक ही फोटो खींच के दिखाओ ये शक्ल नहीं दिख रही उसमें कहीं। फिलहाल अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है दो दिन मतलब दो दिन या एक दिन पूरा हो चुका है क्या कहना चाहेंगे आप साथ हो तो हर जगह हर दिन हर पल ही अच्छा लगता है तो सामने पहाड़ी क्या मस्त पहाड़ है ये देखिए हाँ मेरे पास एक बड़ी वाली कैची थी जैसी बात आई मैंने आज हम कल से जब से यहाँ आए तब से कंटिन्यू बारिश होनी चालू हो गई थी मतलब जब से हमने स्कूटी ली तब से बारिश होनी चालू हुई और आज यहाँ से निकल रहे हैं तो चेकआउट करने तक बारिश हो रही थी बाहर निकलते ही बारिश बंद हो गई है मतलब साथ में अगर वर्षा नाम का कोई भय शख्स तो ऐसी परेशानी आपको बार बार झेलनी पड़ सकती है। ये देखिए यह है ऋषिकेश का पुल जो आपने जॉली ग्रांट वाले जो टूट गया था आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में तो यहाँ से अभी यातायात सब बंद हो रखा था फिलहाल साइड में ये एक टेम्परेरी वो बनाया गया रास्ता बना के दिया गया है फिलहाल यहाँ से आवागमन चालू है देख सकते हैं आप पूरा इतना बड़ा बड़ा पुल टूट जाता है यार
इसकी मरम्मत का काम अभी चालू है। ये देखो यहाँ से भी पूरा टूट रखा है, ये तो दो तीन जगह से टूट गया है। यहाँ पे कितना ट्रैफिक हो रखा है क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब भी है और ये बहुत ज़्यादा चलने वाली रोड है क्योंकि ऋषिकेश से देहरादून के आगे जितने भी लोग जाते हैं वो सब के सब इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। देखिए फल लेके आ रहे हैं। क्या लेके आए हो? अरे अनार भी ले आते। अनार अनार उसके बाद दिखा रहे अनार यहाँ से देखते हैं। देखिए सेब आ चुका है खाने वालों के लिए। फिर मिठाई लेने का टाइम। रोड पे चलते हो फोन में बात नहीं करते हैं। अरे यहाँ पे ले लिए। अरे देखो रोड में चलते हैं फोन में बात करते हैं करना जरूरी है। चलिए ठीक है गए हैं हम पहुँच फाइनल लोकेशन पे, लेकिन यह यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा जो रास्ता दिख रहा है ऊपर को पैदल पैदल। हाँ ठीक है भाई थैंक यू। चलो है जाओ तो लोकेशन ढूंढना ही बड़ा टफ काम है। यहाँ पानी भरा हुआ है। ये देखो कुली नंबर वन। बारिश की वजह से पूरा बुरा हाल है। ये रे फाइनली ब्लॉगर तुम्हारे यहाँ पहुंच चुके हैं। अच्छा ये हमें देखने आए थे क्या? तुम जानते हो वहां पार्क से ऐसे मुड़ गए ना? हम यहां से बिल्कुल वो है टंकी देखो जो बोल रहे थे नहीं बन गए। अच्छा तुम तुम्हें बार-बार लाए हो? नहीं इस वाली रोड से। हां अच्छा बाहर ही लाया। हां ठीक है। हां हम वहां से वापस आए थे। पहले मैं वहीं गई थी ऊपर। मैंने आईडिया लगाया मैंने क्या ये है फाइनल डेस्टिनेशन। ये देखे ये उछल कूद करने वाले। ये केतन जी हैप्पी बर्थडे केतन। कैमरा दूं? हैं क्या करेगा रिकॉर्डिंग करेगा? एक मिनट नमस्ते पहले नमस्कार वीडियो बनानी है। नमस्कार ये हमारी स्वीट भांजी। नमस्ते दर्शकों मुझे दो आइए आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाती हूँ जो बहुत अच्छी बच्ची है। ये देखिए कौन है। हेलो दर्शकों नमस्ते दर्शकों नमस्कार दर्शकों मेरा नाम गर्विता जोशी है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं थर्ड में पढ़ती हूँ। विद्यालय का क्या नाम है आपके? केंद्रीय विद्यालय। अच्छा मामा मामी जल्दी आओ। तो हम जा रहे हैं मार्केट को। मेरे साथ है गर्विता जोशी। गर्विता जोशी जो हमें अपने शहर में घुमाएंगे क्या बोलती है? यस बाय। अब मैं कहाँ कहाँ घुमाऊंगे आज? आज ना मैं एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट घुमाने लेकर जा रही हूँ। हम
एरोप्लेन के अंदर इधर 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 रेस्टोरेंट का मजा लेंगे है। हाँ। क्या क्या मिलता है वहाँ पे? वहाँ पे पिज्जा भी मिल जाता है और ढेर सारी चीजें मिलती है। ये तो उसको भी पता है जो बता रहे हैं। हाँ तो आप फोन टाइट पकड़ के रखो, कोई छीन ना ले जाए आपसे फोन। क्यों है? आजकल फोन की चोरियां बढ़ गई है क्या? ओ चलो चलो, ये कह रहे हैं हम गलत जगह पर चले गए हैं। 600 मीटर टर्न राइट। गाड़ी हम सही जा रहे हैं बेटा? हाँ ये सही बता रहे हैं। ये देखो हम पहुंच गए एरोडीन रेस्टोरेंट और यहाँ मामा मामी अपने बाल बना रहे हैं। दोस्तों देखो मैं आ गई हूँ एरोडीन रेस्टोरेंट में मामा मामी को लेके। चलो अंदर चलते हैं। मामा मामी के साथ चलो। थैंक यू। और अभी हम पहुंच चुके हैं एरोडाइन रेस्टोरेंट में जो है देहरादून में। पूरा प्लेन का सेटअप दे रखा है और अंदर का इंटीरियर भी पूरा प्लेन वाला है बैठने के लिए। और मतलब आपको ऐसा फील आएगा कि आप एक प्लेन में अपना लंच या डिनर जो भी है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। इंडियन शाकाहारी पिज्जा। तो मिस गर्विता जी आप क्या बोलना चाहेंगी रेस्टोरेंट के बारे में? रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तो ऑर्डर हमारा जा चुका है, बाकी साइड में ये है जगह आपको दिखाते हैं। उस साइड में डोर है। जूस आ गया? हाँ बस मेरा इंडियन शाकाहारी पिज्जा आ जाए। चलो मैं पिज्जा खाने की शुरुआत। ये डालने इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह सॉस लेना है। ये रहा बाउल में। हमने आइसक्रीम खा लिए, हम जाएंगे घर। चलो चलो फ्लाइट छूटने वाली है जल्दी। तो ये है हमारी फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार, एयर इंडिया। इसकी बालकनी कहाँ से है? अरे लो चंदा मामा भी आधा आ गए। कहाँ है चंदा मामा? वो रही चंदा मामा आ गए। ये था एरोडाइन रेस्टोरेंट। ये आप लुक वाइज अगर देखेंगे तो मुझे भी देनी है वोटिंग। मुझे इसको 10 out of 10 देना। इसका लुक देखो, यहाँ ये जेट है, खाना कितना मस्त था। तो चलिए अब हम चलते हैं गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि केतन जी का बर्थडे है तो हमें गिफ्ट भी लेना है। क्यों? और हम गौरी के लिए कुछ ही नहीं लेंगे। तो मेरा बर्थडे कहाँ है? और वैसे भी इतने अच्छे 10 out of 10 रेस्टोरेंट में खाना खिलवाया है, वो भी कम है क्या? ओए होए। तो हम अब घर के लिए निकल गए हैं और घर जाने से पहले हम लेंगे केतन जी के लिए गिफ्ट। तो यह पहुँच गए गिफ्ट शॉप में और अब यहाँ लेंगे गिफ्ट, उसके बाद हम पहुँचेंगे सीधा केतन जी के पास। बच्चों के लिए गिफ्ट लेंगे। यस। नहीं तो हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं। मैं कभी नहीं लेता हूँ। झूठ, आपने देखा था ना मेरे बर्थडे वाले व्लॉग पे। चलो नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दर्शकों। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। गिफ्ट ले लिया हमने, गिफ्ट दिखाओ। ये इसके ये गिफ्ट तो गौरी का है। हाँ, ये कोई नहीं लेगा। तो पहुँच गया घर। कैमरा क्यों चाहिए? गैंग आ चुकी है इधर। आ
जी, बर्थडे बॉय की मम्मी बहुत बिजी है। ये देखो कितनी बिजी है ये आज खाना बना रही है बहुत ज्यादा। इतनी खुशी लोग ऐसे हैं जो अपने के खाते हैं ज्यादा बनाने जैसे कि ये आए एक सुबह से कम से कम 12-13 बोतल पानी पी चुकी हैं। एक बोतल पी लिया मैंने पानी। आपका नाम? मेरा नाम टॉम है और मैं नर्सरी में पढ़ता हूँ और मैं केतन के बर्थडे में आया हूँ। केतन हैप्पी बर्थडे, ये है हमारा केतन, बोल हैप्पी बर्थडे। तो ये देखिए केतन का आज बर्थडे है। ये पूरी गैंग है केतन और गौरी की, जिसमें वो भी शामिल है येलो टी शर्ट वाले। ये चिल्लर गैंग है पूरी। हाँ ले लो डॉगी, उधर से जाओ ना, इधर से जाओ डॉगी। नहीं, अरे 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 अरे, केक खाना है। क्या करना है? केक खाना है। अरे अभी नहीं, अरे करो करो, दूर से पीछे से करो। हाँ ये, वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू केतन। Happy birthday. Birthday to Ketan. Mila mujhe khila tu. Ha, idhar are. अरे यार ये तो खुद ही खा गया। हैप्पी बर्थडे। मैं खिलाऊंगी, रुको। यहाँ को देखो, यहाँ देखो, जल्दी बड़ा साफ करके देखो। अच्छा लग रहा है, केक टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। देखो दुबई से यहाँ सैफ आ रखे हैं। दुबई में ना, दुबई में ज्यादा अच्छे सैफ है क्या भाई? ये कोई से भी देश का नक्शा सेकंड में बना देते। कोई से भी देश का नक्शा चाहिए तो आप बनवा सकते हैं। तो ये था बर्थडे का सेलिब्रेशन, खाना खाते हैं, सोते हैं। कल देखो बंजी जंपिंग वाला जो बुकिंग करी थी, अगर वहाँ से क्लियरेंस आ जाता है तो वो करने जाएंगे, वरना रिफंड हो जाएगा और हम घर को चले जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो बंद रहे। तुम्हारी प्रार्थना कतई स्वीकार नहीं होगी क्योंकि वो बहुत भयानक है। तुमने करना, मैं करूंगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और ऐसी हमारी चैनल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, और जल्दी से जल्दी बन के करवा दो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ, प्लीज करवा दो। गुड नाइट।